नमस्कार, मैं हूं श्रेया। आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। चलिए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में टूरिस्ट बंगले में स्थित बार में पहुंचे एक शख्स ने फायरिंग कर सनसनी फैला दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने पहले बार के वेटर से शराब ऑर्डर की, जिसको पीने के बाद जब उससे पैसा मांगा गया तो उसने पिस्टल दिखाते हुए वहां लगी सीसीटीवी पर फायरिंग कर दी, जिस बार में मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। प्रयागराज के सिविल लाइन्स रोडवेज बस स्टॉप के पास पर्यटन विभाग का इलावर्थ होटल, जिसमें बने बार में फूलपुर का विक्रम सिंह यादव रविवार रात को टूरिस्ट बंगले में शराब पीने पहुंचा। पहले तो उसने शराब पी, जब वेटर ने पैसा मांगा तो उसने बंदूक निकालकर फायरिंग कर दी, जिससे टूरिस्ट बंगले में लगी एलईडी टीवी चकनाचूर हो गई। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही बार में बैठे लोगों में अफरा तफरी मच गई। बार के वेटर सतीश ने फौरन पुलिस को फोन कर इस पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने अपने आप को अधिवक्ता बताया। बहरहाल पुलिस ने विक्रम सिंह यादव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। परेशान किए, ये बार बार दो तीन दिन से लगातार आ रहे थे, बियर पी रहे थे, बोले हम अभी दे रहे हैं पैसा, कल देंगे पैसा, अभी देंगे और चले जाएं। हम अपने अधिकारी को भी बता दिए, सभी आके इसी से गुंडागर्दी कर रहे हैं और आराम में पीना चाहते हैं। कल इन्होंने क्या किया? कल सर ये आए हैं अपना घर पर बियर ये यहाँ एक बोले और निकालो, कल जैसे मना किए हम निकाल के ले गए थे, उसी तरीके हम लेके जाएंगे, क्योंकि जो करना हो हमारा करते रहना। और उसके बाद जो है गोली निकाले, पहले हमारी तरफ ताने थे, फिर उसके बाद करता यहाँ टीम पर तान दिए, फायर भी किया जी, फायर किए सर। दहशत हो गई थी? दहशत हो गई, तीन चार टेबल बैठी थी, हमने तुरंत निकल के अपने अधिकारी को बताया। पुलिस ने शिकायत की? पुलिस को शिकायत की, हम अपने अधिकारी को बताया, अधिकारी ने तुरंत क्या था अपने पुलिस को बुलवाया, पुलिस पूरी फोर्स आई। नाम बताइए जी। आपका नाम? मेरा नाम सतीश कुमार सिंह। होटल है बार, उसमें बार में फायरिंग करने का मामला है, क्या पूरा मामला है और इसमें क्या अभी तक कार्रवाई की गई है? कल शाम वहाँ से सूचना आई थी कि कोई व्यक्ति है जो अपने को विक्रम यादव और अधिवक्ता बता रहा है, यहाँ पर फायरिंग कर दिया है। उसमें मैंने इंस्पेक्टर सिविल लाइन को वहाँ भेजा और देखे कि वहाँ पर एक व्यक्ति था जो विक्रम यादव नाम के ही है और वहाँ पर बदहवास होकर के लोगों को गालियाँ दे रहे थे और हाथ में पिस्टल लिया हुआ था। जानकारी मालूम चला कि वो पिस्टल भी इनके लिए अवैध ही है, कंट्री मेड है। इन्हें तुरंत वहाँ से गिरफ्तार किया गया और एक वहाँ पे जो काम करने वाले सतीश की तहरीर कंट्री ग्रुप जो है 307, 504, 506 और 332 अभियोग पंजीकृत किया गया है, इनको गिरफ्तार किया गया है। जिस वाहन से आए थे कार होंडा सिटी, वो भी कब्जे में ले ली गई, वो भी जब्त कर ली गई है, इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वजह कुछ पता चल सके कि फायरिंग क्यों की वहाँ पे इन्होंने? इनके बारे में बताया गया कि पहले भी जाकर के वहाँ पे ड्रिंक किए थे जबरदस्ती, लोगों को धमका करके और उसका पैसा नहीं लिया था, और कल भी ये इसी तरह की हरकत की थी, जब वहाँ पे लोगों ने मना किया तब इन्होंने वहाँ पे फायरिंग कर। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।